सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलरशिप फॉर्म चैनल को और आने वाले सभी स्कॉलरशिप्स की सबसे पहले नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। एक बार फिर से आप सभी का स्कॉलरशिप फॉर्म चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं श्रीराम ऑटोमॉल स्कॉलरशिप्स के बारे में, कैसे इसको आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया है, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो फ्रेंड्स, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए चलते हैं scholarshiplives.com पर। तो फ्रेंड्स, द टीम मेंबर ऑफ द श्रीराम फाउंडेशन ने अभी अभी एक्टिवेट कर दिए हैं श्रीराम ऑटोमॉल एजुकेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2018 फॉर द स्टूडेंट जो स्टडिंग करें क्लास 8, 9, 10, 11, 12। द मेन ऑब्जेक्टिव है इस फाउंडेशन का फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करानी स्टूडेंट्स को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं इसमें स्कॉलरशिप मनी कितनी है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को मिलेंगे ₹3,000 पर ईयर क्लास 10 तक। आफ्टर 11th 12th द स्कॉलरशिप मनी विल बी 3,500 पर ईयर। जो स्कॉलरशिप अमाउंट मिलेगा वो पे इन चेक इन द फेवर ऑफ द चाइल्ड। तो फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जिसके बेस पर आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केयरफुली। स्टूडेंट्स मस्ट बी क्लास 8 टू 12th। स्टूडेंट्स स्टडिंग इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स आर एलिजिबल स्कॉलरशिप। एसेंशियल स्टूडेंट्स की कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 60% मार्क्स आए लास्ट ईयर एग्जाम में और जो पेरेंट्स की इनकम है शुड नॉट मोर देन 25,000। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कैरियर आफ्टर 12th दे रखा है और हाउ टू अर्न मनी एट होम फास्टेस्ट वे, इससे आप इस लिंक से आप जान सकते हैं कैसे आप घर बैठे पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन। और चलते हैं सिलेक्शन मोड की तरफ। द टीम ऑफ द मेंबर ऑफ द फाउंडेशन शॉर्टलिस्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब मार्कशीट पर। तो चलते हैं कैसे इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट विजिट करना है आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, देन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म करना है, देन फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म को एसेंशियल डिटेल्स के साथ जो हम आपको नीचे बताएंगे कैसे फिल करना है। अगर एक बार ये आपका फॉर्म रॉन्ग हुआ तो आप जो डिपार्टमेंट इसको रिजेक्ट कर देगा। तो चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को। यहाँ पर आप डाउनलोड का ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास प्लस स्कूल एड्रेस प्लस फ़ोन नंबर, पेरेंट्स डिटेल्स, नेम, एज, रिलेशनशिप विद द स्टूडेंट्स क्या है, क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन और मंथली इनकम। यहाँ एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट करनी है। नेम ऑफ द ट्रांसपोर्ट कंपनी, अगर आपके फादर किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। और पेरेंट कल से एक्सेप्टिंग सपोर्ट सर्टिफिकेट इनक्लोज करने हैं और रिसेंट प्रोग्रेस कार्ड, कॉपी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, कॉपी ऑफ RC बुक, राशन कार्ड, आधार कार्ड और पेरेंट, यहाँ पर पेरेंट्स के सिग्नेचर और यहाँ पर सिग्नेचर होंगे ऑटोमॉल मैनेजर के। तो फ्रेंड, इस तरह आपको एप्लीकेशन फॉर्म करना है। मैं एक बार फिर बताता हूँ, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको सेंड करना है इस एड्रेस पर, श्रीराम फाउंडेशन MOOKMBA मोकाम्बिका कॉम्प्लेक्स सेकंड फ्लोर लेडी डेस्का रोड मायलापुर चेन्नई 00004। यहाँ पर वाला एड्रेस है ऑफिशियल, यहाँ पर आपको सेंड करना है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कोई भी क्वेरी हो आप फ्रैंकली कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम आपको क्विक रिस्पॉन्स करेंगे। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लें जिससे आने वाली सारी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले स्कॉलरशिप रिलेटेड पहुँच जाए। थैंक यू एंड ऑल बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल द स्टूडेंट।